नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो आज की शाम ही करिए ये कुछ खास उपाय। इन टोटकों से बदल जाएगी आपकी किस्मत। आपको शायद ही पता होगा कि हर हफ्ते में कुछ ऐसे खास दिन होते हैं या खास मुहूर्त होते हैं जिन पर यदि कुछ खास टोटकों को कर लिया जाए या कुछ उपायों को कर लिया जाए तो ये आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है या आपकी तकदीर आपका साथ। घर में हर तरह की प्रगति के लिए व समृद्धि के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ की जाती है। धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में बहुत से छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ति की जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। नहीं दे रही है या आपका प्रेमी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आप आज की शाम हमारे द्वारा बताए गए ये खास उपाय अवश्य करें और अपने सौभाग्य को बढ़ता हुआ देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। चुपचाप लाल धागा लपेट दें, यहाँ बस एक रात में ही बदल जाएगी आपकी किस्मत। दोस्तों, हिंदू धर्म में लाल धागे को हाथ में बांधने वाले कलावे के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि हाथ में बंधा हुआ कलावा एक रक्षा सूत्र होता है जिसे मोली के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी हमेशा ही रक्षा करता है और बुरे संकटों से हमें बचाता है, लेकिन इसके अलावा आर्थिक समस्याओं से लेकर के धन हानि से भी हमें बचाता है, मान सम्मान प्राप्त कराता है और समाज में हमें प्रतिष्ठावान एक व्यक्ति बनाता है। लाल धागे का उपाय विशेष रूप से कारगर होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास उपाय और खास टोटके जो हमारे हिंदू शास्त्रों में और ग्रंथों में उल्लेखनीय है। दोस्तों, आप लाल रंग के एक रेशमी धागे को लेकर के आए और इसे अपने सिर से लेकर के पैर के बराबर अपनी लंबाई में नाप लें। दोस्तों, अगर आप इस धागे को ला करके अपने मंदिर में रख लेंगे और उसके बाद ये उपाय करेंगे तो यह आपके लिए और भी अच्छा होगा। अब इसके बाद आपको एक हरे आम का पत्ता लेना है। पत्ता बिल्कुल हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको उस पत्ते पर इस धागे को लपेटना है और हर बार एक गांठ लगानी है। इस प्रकार से आपको इसे 11 बार लपेटना है और 11 गांठें लगानी है। बाकी बचे हुए धागे को बिना गांठ लगाए ही लपेट दें और लपेटते वक्त ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और इसे अपने सिर पर से 7 बार घुमा लें। जब आप ये उपाय पूरा कर लें तो आप इस आम के पत्ते को जिस पर आपने लाल रंग का धागा लपेटा है इसे अपने मंदिर में स्थापित कर दें और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या फिर शिव जी की मूर्ति के आगे एक देसी घी का दीपक जलाएं। यदि स्त्रियां इस उपाय को करती हैं तो वे भोलेनाथ की तस्वीर के आगे उपाय करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। यदि पुरुष इस उपाय को करना चाहते हैं तो वे ओम श्री हनुमन्ते नमः इस मंत्र का जाप करें और हनुमान जी की तस्वीर के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अब अगले दिन जिस दिन आपने उपाय किया है उसके अगले दिन आप इस आम के पत्ते को जिस पर कि आपने लाल रंग का धागा लपेटा है इसे लेकर जाएं और एक बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते वक्त आप अपने मन में अपने सभी मनोकामनाएं दोहराते रहें। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर अच्छे दिन की शाम को एक रोटी बना लें और इसे अपने सामने रख करके अपनी सभी इच्छाएं बोलें। इसके बाद आप इस रोटी को फोल्ड कर लें और अपनी लंबाई के बराबर के लाल धागे से इसको लपेट दें। अब आप इसे अपने हाथ में उठा करके अपने घर के मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान को दिखाते हुए अपनी सभी इच्छाएं दोहराते रहें। इसके बाद आप इस लाल धागे को इस रोटी पर से उतार लें और लाल धागे को किसी भी पीपल के पेड़ के ऊपर टांग दें और रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप शनि दोष से भी पीड़ित हैं तो वह भी आपका दूर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ और लाल धागे से जुड़ा हुआ एक और खास उपाय बताता हूँ। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, क्योंकि यह उपाय हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ है इसलिए आप इस उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन करें तो ज्यादा उत्तम होगा। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार की शाम को हनुमान चालीसा को आप अवश्य पाठ करें। इसे पाठ करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाएं, आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में बैठ करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको यह करना है कि आपको अपने हाथ में एक लाल रंग का धागा बांध लेना है। लाल रंग का धागा बांध लेने के बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करना है। आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धन आने के सभी मार्ग खुलने के बाद आपके घर में चारों तरफ से धन बरसने लगता है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर रहे हैं
तो आप शनिवार या मंगलवार जिस दिन भी आप ये उपाय करना चाहते हैं, आप लगातार 11 मंगलवार या 11 शनिवार तक इस उपाय को करते रहें और इस कलावे को अपने हाथ में बना रहने दें। जब ये उपाय पूरा हो जाए तो आप इस कलावे को खोल करके या इस लाल धागे को अपने हाथ में से खोल करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और अपनी मनोकामना बोलते रहें। इसके बाद आप अपने घर आए और 11 हनुमान चालीसा लेकर के व्यक्तियों को बांट दें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 11 हनुमान चालीसा का आपको दान करना है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में विराजित हो जाए, तो इसके लिए भी आज हम आपको एक उपाय बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी शाम को आप आटे की कुछ गोलियां बना लें और इसे ले जा करके जहाँ कहीं भी आपके आसपास मछलियां मिल जाएं या चींटियां मिल जाएं, आप उस गोलियों को मछलियों को खिला दें। अगर आप चींटियों को खिलाना चाहते हैं तो आप आटा ही डाल दें। जब आप अपनी गोलियां डाल चुके हों या फिर चींटियों को आटा खिला चुके हों, तो आप उसके ऊपर से अपने हाथ की लंबाई के बराबर का एक धागा, लाल रंग का धागा लेना है, उसे आपको वहीं पर डाल करके आ जाना है। इस उपाय को करने से नौकरी में तरक्की होने लगती है, आपके बिजनेस में भी आपको बहुत बढ़ोतरी मिलती है, कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है, और अगर किसी व्यक्ति पर कर्जा है या कर्जे की समस्या से वह ग्रसित है तो वह भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया लाल रंग के धागे से किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिन्हें करने से जल्द ही आपको लाभ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।